क्या आप जानते हो कि ऑडी ने एक ऐसा कार बनाया जो किसी और रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? और क्या आपको पता है कि ऐसा साइकिल भी इन्वेंट हो चुका है जो आपके साइकिल राइडिंग की फीलिंग को पूरा चेंज कर सकता है? हालांकि ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी है जो आपकी आंखों को चीजों पर जूम करने की एबिलिटी देता है। स्वागत है आप सबका मेरे दूसरे इन्वेंशन वीडियो में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। गाइस, आपने साइकिल में पेडल के पास एक सर्कल रिंग को लगे हुए तो देखा ही होगा, जिसकी मदद से चेन मूव करती है। लेकिन इन नॉर्मल साइकिल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप तेजी से साइकिल को चलाते हो तो साइकिल की चेन अपने आप निकल जाती है, और अगर आप कहीं इमरजेंसी में जा रहे हो और फिर ऐसा हो जाए तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन अब निकाल लिया गया है? कनाडा में नॉर्थ शोर बिलेट नाम की एक कंपनी है जिन्होंने एक ऐसा साइकिल इन्वेंट किया है जो आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये साइकिल देखने में काफी यूनिक है क्योंकि इसमें सर्कल रिंग्स की जगह स्क्वायर प्लेट्स लगे हैं, जो चेन को बहुत आसानी से मूव करता है, जिसकी वजह से इस साइकिल को ऑपरेट करना भी बहुत आसान है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन स्क्वायर प्लेट्स में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्क्वायर प्लेट्स 270 डिग्रीज के कॉन्टैक्ट में मूव कर सकते हैं, जबकि सर्कल रिंग सिर्फ 180 डिग्रीज के कॉन्टैक्ट में ही मूव कर सकते हैं। इन स्क्वायर प्लेट्स की इन्हीं खासियत की वजह से आपके साइकिल की चेन आसानी से नहीं निकलेगी, भले ही आप साइकिल कितनी ही तेजी से क्यों ना चलाओ। और अगर आप मेरे जैसे हो और आपको ऐसे टेक पसंद है जिससे आपका काम काफी कम समय में हो जाए और आपको वेट ना करना पड़े, तो आपको फोल्डीमेट बहुत पसंद आने वाला है। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें बस आपको अपने धुले हुए कपड़े डालना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंपल जीन्स है या फिर कॉम्प्लेक्स बटन वाली शर्ट। जब तक आप दूसरे कपड़े उठाओगे मशीन में डालने के लिए, पहले वाले कपड़े मशीन में फोल्ड होकर अपने आप बाहर आ जाएंगे। है ना ये काफ़ी कमाल का इन्वेंशन। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आमतौर पर एक एवरेज इंसान 85 डेज कपड़े को ठीक करने में बिताता है, और इस मशीन से आपका काम मिनटों में हो सकता है और आपका काफ़ी समय भी बच सकता है, जिसे आप उस वक्त को किसी और काम में यूज़ कर सकते हो। अब एडवेंचर करते वक्त आप क्या पहनोगे? सैमसंग के पास ही बस इसका जवाब हो सकता है। उन्होंने एक स्मार्ट शर्ट का पेटेंट करवाया है जो आपके कपड़ों को रगड़ने से पैदा होने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से कलेक्ट करता है। वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब आप अपने शर्ट पर दो बलून्स रब करने के बाद जब उन्हें एक साथ रखते हो तब वो रिपेल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये कपड़े उन कलेक्ट की गई एनर्जी का यूज शर्ट के स्मार्ट फीचर को पावर देने के लिए यूज करता है, जो कि इस शर्ट के अंदर इंटीग्रेटेड सेंसर की वजह से पॉसिबल है। एग्जांपल के तौर पर सिर्फ चलने से ही आप अपने शर्ट को इतनी पावर दे पाओगे कि वो आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे कि जब आपका टेम्परेचर गर्म होगा तो ये शर्ट आपके बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करेगा, और अगर आपका टेम्परेचर ठंडा है तो ये आपको गर्म करने का काम करेगा। ये शर्ट आपके एक्टिविटी लेवल्स को भी स्टडी करता है, और आप इस शर्ट की पावर का यूज करके अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। मैं एक स्पेस थीम वाली वीडियो नहीं बना सकता बिना गैलेक्सी की बात किए। पता चला है कि सैमसंग शायद रोलेबल स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जिसे गैलेक्सी जेड स्लाइड कहा जा रहा है। ये काफ़ी अनयूजुअल सा है, लेकिन कुछ फाइल पेटेंट के मुताबिक इसके पीछे जो कैमरा है उसमें हाफ डिस्प्ले होगा, और फिर ये डिस्प्ले फ़ोन के चारों तरफ से स्ट्रेच होगा सिर्फ एक बटन प्रेस करने से। मतलब कि कुछ ही सेकेंड्स में ये फ़ोन एक टैबलेट की तरह दिखाई देगा। ये काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग फ़ोन काफ़ी कूल लगते हैं उन अनफोल्डेबल स्मार्टफोन से जो प्रेजेंटली मार्केट में मिल रहे हैं। प्लस इस फ़ोन के एक्सटेंडेड होने पर आपको वो क्रीज भी नहीं दिखाई देगा जो फोल्डेबल फोन्स में होते हैं। आपके हिसाब से इतिहास में ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हत्यारा क्या है? कैंसर, वर्ल्ड वॉर टू या फिर प्लेग? इसका जवाब है मलेरिया। ये होता है फीमेल मॉस्किटोज के काटने से, और इसे अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। कुछ सोर्सेज के माने तो मलेरिया ने अब तक एग्जिस्ट करने वाले आधे ह्यूमंस की जान ले ली, और इसलिए हम लोग इन मॉस्किटोज से बचने का हर तरीका ट्राई कर चुके हैं, जैसे कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मॉस्किटो किलिंग स्प्रेस, मॉस्किटो किलिंग मशीन्स, पर इनमें से कोई भी तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया है। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि कुछ मेल मॉस्किटोज को मलेरिया
फैलाने वाली पॉपुलेशन के अंदर ले जाकर उन मेल मॉस्किटोज को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे जिससे वो उसी पॉपुलेशन में फंस जाएंगे। असल में साइंटिस्ट मेल मॉस्किटो के डीएनए में एक सीक्वेंस ऐड करेंगे जिससे उस मॉस्किटो पर कोई असर नहीं होगा, पर उससे जो भी फीमेल मॉस्किटो का जन्म होगा उसका मुंह डिफॉर्म्ड होगा जिसकी वजह से वो किसी को भी काट नहीं पाएगी। और वो रीजन जिसकी वजह से ये साइंटिस्ट मेल मॉस्किटो को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं वो ये है कि हर मेल मॉस्किटो कई फीमेल मॉस्किटोज के साथ ब्रीड करता है। सो अगर वो कुछ मॉस्किटोज को टारगेट करके उन्हें मॉडिफाई कर देंगे तो बहुत जल्द वो इनकी नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन को बदल सकते हैं जिसमें वो मॉस्किटो किसी को भी बाइट नहीं कर पाएंगे। कुछ हफ्ते पहले तक मेरी ड्रीम कार एक टेस्ला या फिर शायद BMW थी, जब तक ऑडी ने एक ऐसी कार शोकेस करी जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कि क्या ये कार फ्यूचर से तो नहीं आई है। ये कार देखने में नॉर्मल लगता है, सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से ये सेल्फ ड्राइविंग मोड को एक्टिवेट कर देता है, स्टीयरिंग व्हील्स फ्रेम के अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं और कार फिजिकली लंबी हो जाती है ताकि आपको आराम करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल सके। और इनफैक्ट अगर आपको कहीं जाना हो तो बस मैप में लोकेशन सेट करने से ये कार आपके डेस्टिनेशन तक खुद ही ले जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कार है इसलिए आप ऑडी में जाकर इसे ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये कार काफ़ी पसंद आई। आते हैं असली जंगल की तरफ, स्पेशली ग्वाटेमालान का जंगल जो पेड़ों से इतना पैक्ड है कि इतने लंबे समय के बाद भी हम पेड़ों के अलावा कुछ एंशिएंट मायन टेंपल्स को ही देख पाए हैं। लेकिन यहाँ पर लाइडर काम आता है। आपने लाइडर के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट आईफोन्स में एक्चुअली लाइडर के सेंसर्स होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये करते क्या हैं? तो बेसिकली ये तेजी से लाइट्स फायर करते हैं और वो टाइम कैलकुलेट करते हैं जितना वक्त उस लाइट को वापस लौटने में लगा, और उसी टाइम को यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। अब इसका जंगल से क्या लेना देना आप यही सोच रहे होंगे। वेल, आर्कियोलॉजिस्ट ने लाइडर के डिस्टेंस मेजरिंग कैपेबिलिटी को यूज करके ग्वाटेमालान के जंगल को एक्सप्लोर किया जहां पर घने पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उन्होंने ये रियलाइज किया कि वहां पर सिर्फ एंशिएंट टेंपल्स नहीं है, वो सारे हिल्स और रॉकी इम्परफेक्शंस जो अगर ऐसे ही देखा जाए तो एक रैंडम नेचुरल फीचर्स की तरह दिखाई देगा, लेकिन उस प्योर लैंडस्केप को लाइडर के जरिए देखने से ये रिवील हुआ कि ये जगह असल में एक सिटी है जहां 60,000 से भी ज्यादा हाउसेस, पैलेसेस और हाईवे है। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने घर के कंफर्ट से ही रेन फॉरेस्ट घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी मदद गूगल कर सकता है। जब से उन्होंने 2005 से गूगल मैप को स्टार्ट किया है, ये कंपनी पूरे वर्ल्ड को मैप आउट करने के मिशन में आ गई। ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव लग सकता है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि इस दुनिया में ज्वालामुखी, गुफाओं वाली खाई और ऐसी रेन फॉरेस्ट भी हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर ना के बराबर लोग ही जाते हैं, तो ऐसी जगहों को मैप में इंक्लूड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गूगल ने एक ट्रैकर बनाया जो एक बैकपैक की तरह दिखता है। इसके अंदर 15 हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो अलग अलग डायरेक्शंस में फायर होकर हर 2 सेकंड में फोटो क्लिक करता है। इसमें एक मॉडम भी है जो ये बता सकता है कि कौन सा शॉट किस लोकेशन पर लिया गया है, और इनफैक्ट इसमें ढेर सारा स्टोरेज स्पेस भी है और एक डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम भी है जिससे कैमरा चलते रहे, और सारे सिस्टम को ठीक से चलने के लिए इसमें रिक्वायर्ड बैटरीज भी हैं। और ये ट्रैकर्स ही रीज़न है कि गूगल उन दूरदराज इलाकों को भी मैप में कैप्चर कर पाया है। इन ट्रैकर्स को बोट पर और कार्स पर लगाया गया है, और इन्हें ज़िपलाइंस पर भी लगाया गया है ताकि अमेज़न फॉरेस्ट से फ्लाई करते हुए ये ट्रैकर्स उन जगहों की फ़ोटो क्लिक करके मैप में इंक्लूड कर सके। और साथ ही 2018 में गूगल ने ट्रैकर्स का अपग्रेडेड वर्जन रिलीज़ किया जो कॉम्पैक्ट और ज़्यादा कैपेबल है। अब अगर आपने वर्चुअल रियलिटी ट्राई की है तो आप जानते ही होंगे कि वो कितना इम्प्रेसिव है। वाकई में इसमें हर चीज रियल लगती है, लेकिन सच में कुछ कंपनीज वीआर टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। जैसे कि एक्सिस ने इन टाइनी नोट्स को बनाया है जिन्हें आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हो। ये फुल बॉडी कंट्रोल को एनेबल कर देती है जिससे कि आप पंच मार सकते हो, आप किक कर सकते हो, किसी को भी फेंक सकते हो, और इसके इस्तेमाल से आप कुछ भी कर सकते हो जो आप ठीक उसी तरह कर पाओगे जैसे कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में करना चाहते हो। हालांकि कैट ने एक 360 डिग्री ट्रेडमिल बनाया है जिससे आप अपने बेडरूम में एक जगह पर रहकर ही गेम में किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हो, और आप देख सकते हो कि कैसे जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने रोबोटिक टाइल्स यूज करके ऐसी सिमिलर इन्वेंशन की है जहां टाइल्स आपके हर स्टेप को फॉलो करता है।
और आईसाइट को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट करेंटली ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पे काम कर रहे हैं जो आपको रियल लाइफ सुपर पावर देगा। एक कॉन्टैक्ट लेंस वो जो सिर्फ नॉर्मल है और आपको देखने में हेल्प करता है, लेकिन साइंटिस्ट ने करेंटली एक ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस डेवलप किया है जो टेलीस्कोपिक है और आपको दूर की चीज़ें बहुत आसानी से दिखा सकता है। इस कॉन्टैक्ट लेंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक पल में अगर आप अपनी राइट आँख को विंक करते हो यानी कि झपकाते हो तो ये कॉन्टैक्ट लेंस उस विंक को डिटेक्ट कर लेंगे और उसे सिग्नल की तरह यूज़ करके लाइट को रीगाइड कर देंगे, जिससे आप स्विच कर पाओगे कि आपको चीज़ें नॉर्मली देखनी है या फिर दूर की चीज़ें देखनी है। अपने स्मार्टफोन से चीज़ें जूम करके देखना एक बात है, पर यही चीज़ अपनी आँखों से देखना नेक्स्ट लेवल है। वेल गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही और होपफुली आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चला होगा इन्वेंशंस के बारे में। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।